नमस्कार, जीचिल्स मॉर्निंग समाचार में आप सभी का स्वागत है। एमपी न्यूज, सतना। सीएम ने गाया 1000 में मेरी बहना है, मन से कहा इस बार 10 तारीख को लाडली बहनों के खातों में आएंगे 1500 रुपए। बिहार पुलिस विभाग में बंपर भर्ती, 20,000 कांस्टेबल और 2000 सब इंस्पेक्टर की होगी बहाली। यूपी न्यूज, सदन में योगी ने विपक्ष से पूछा, अपराधियों को गोली ना मारे तो क्या माला पहनाए, उनके लिए चलेगी बुलेट ट्रेन। एमपी न्यूज, टीवी मोबाइल चलाने से रोका तो पेरेंट्स पर FIR। इंदौर पुलिस ने ऐसी धारा लगाई जिनमें 7 साल की सजा, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। वायनाड में लैंडस्लाइड, अब तक 293 मौतें, 4 गांव पूरी तरह साफ, सेना बोली रेस्क्यू खत्म, शव खोजने का काम जारी, राहुल प्रियंका पीड़ितों से मिले। यूपी न्यूज, लखनऊ में सड़क चलते पानी में लड़की से बदसलूकी, 2 IPS हटाए गए, 16 गिरफ्तार, DCP सहित 3 अफसरों को हटाया, इंस्पेक्टर समेत पूरी चौकी सस्पेंड, पुलिस एक्टिव, बारिश में युवती को गिराया, बैट टच किया, योगी बोले आरोपियों में एक पवन यादव, दूसरा मोहम्मद अरबाज, ये सपा के साथ भावना वाले। वर्ल्ड न्यूज, हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइब की इजरायली हमले में मौत, 1 दिन पहले ईरान में पॉलिटिकल चीफ की हत्या हुई, लीडरशिप में सिर्फ सिनवार बचा। नेशन न्यूज, SC रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा, कहा राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं, राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेगी। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। यूपी न्यूज, भाजपा ने किया योगी सरकार के फैसले का विरोध, विधान परिषद में नजूल बिल अटका, भूपेंद्र चौधरी विरोध में उतरे, हर जिले में है नजूल संपत्ति, विपक्ष विधेयक के जरिए जनता को बताएगा कि सरकार उनका घर छीनना चाहती है, अनुप्रिया पटेल बोली यूपी सरकार वापस ले विधेयक, संगठन सरकार से बड़ा दिया गया मैसेज। विरोध करते हुए राजा भैया बोले क्रांति आ जाएगी, स्पा ने भी किया प्रदर्शन, नजूल संपत्ति वो सरकारी जमीन है जो बिना मालिक के या छोड़ी हुई होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अलर्ट न्यूज, HDFC बैंक ने ग्राहकों को किया सतर्क, फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की दी सलाह, हाई रिटर्न का फायदा झांसे में न आए। वेदर न्यूज, हिमाचल उत्तराखंड में बादल फटे, जम्मू के किश्तवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़, जयपुर में बेसमेंट में डूबने से 3 की मौत। काम की खबर, होम ऑटो और पर्सनल लोन सब महंगा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक ने दिया झटका, ब्याज दरें बढ़ाई। बिहार न्यूज, अगस्त में जुलाई से अधिक होगी बारिश, बक्सर और आसपास के इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा, शेष भाग में सामान्य से कम। यूपी न्यूज, CM योगी शिव भक्तों पर आज करेंगे पुष्प वर्षा, मेरठ बागपत गाजियाबाद में हवाई दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। संसद न्यूज, रेल मंत्री बोले हम काम करते हैं रेल नहीं बनाते, 2 दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी वो रेल नहीं रेल मंत्री बनना चाहते हैं। RBI के पास वापस आए 2000 रुपए के 97.92% नोट, 7,409 करोड़ रुपए के नोट अब भी आने बाकी। यूपी सरकार अब सोलर सिटी के बाद सोलर होम बनाने जा रही है, पहले चरण में निकायों में स्थित सरकारी भवनों को सोलर होम किया जाएगा। MP मॉनसून अपडेट, MP के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, आज दवा के गेट खुल सकते हैं, नर्मदा में बढ़ेगा पानी, अगले 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम। नौकरी न्यूज, सरकारी नौकरी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, फ्रेशर्स को मौका, सैलरी 3 लाख तक, आयु सीमा 35 से 55 साल के बीच, ऑफिशियल वेबसाइट HUDCO.ORG.IN पर जाएं। नेशन न्यूज, जुलाई 2024 में GST कलेक्शन में जबरदस्त ग्रोथ, जुलाई में 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। यूपी न्यूज, लखनऊ, AKTU के 1321 स्टूडेंट्स का TCS में प्लेसमेंट, 35 को मिला 11 लाख का पैकेज, 60 सदस्य टीम ने किया रिक्रूटमेंट। बिहार न्यूज, सभी परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को आयोग लिखेगा पत्र, BPASC में नकल करते पकड़े गए तो देश की किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। पेरिस ओलंपिक्स 2024, स्वप्निल ने दिलाया 3रा पदक, लेकिन सिंधु सात्विक चिराग, निखत की हार से टूटी मेडल की उम्मीद। बिहार न्यूज, अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 16 अगस्त तक होगा आवेदन, बिहार सरकार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक दे रही है, इसमें 50% अनुदान और 50% ब्याज रहित ऋण होता है, आवेदनकर्ता का बिहार का स्थायी निवासी और आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, इस बार करीब 9,200 लाभुकों का चयन होगा। यूपी न्यूज, लखनऊ के नामी अस्पतालों में खून बेचते हैं डॉक्टर, 1000 में खरीदकर 8000 में बेच रहे, बेचने वाले बोले काम नहीं मिलता तो क्या करें। राजस्थान मॉनसून अपडेट, राजस्थान में आज भी बारिश का अलर्ट, अजमेर में भारी बरसात की चेतावनी,
जयपुर के स्कूलों में आज छुट्टी। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा, बेसमेंट में डूबकर 3 की मौत। जयपुर में बहने लगे झरने, सड़कें बनी नदियां, बादलों से ढका हर्ष पर्वत, बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें धंसी, गाड़ियां डूबी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। यूपी न्यूज। यूपी में आधा मानसून बीता, 15% कम बारिश, 4 जिलों में 60% ज्यादा बरसा पानी, 6 जिलों में बहुत कम बारिश, 7 जिलों में बाढ़ की स्थिति। प्रदेश में 6 बैराज खतरे के निशान के करीब, अगस्त सितंबर में अच्छी बारिश का अनुमान, सब्जियों के भी बढ़ेंगे दाम। संसद न्यूज। यूपी, लखनऊ से कटरा और खाटू श्याम ट्रेन चलाएं, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राज्यसभा में उठाई मांग, लखनऊ से विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ट्रेन चलाने की मांग की। राजस्थान न्यूज। जयपुर के होटल ग्रैंड उनियारा में फफूंद लगा मटन मिला, सड़े हुए काजू और सब्जियां मिली, लोगों को परोसने की कर रहे थे तैयारी। बिहार न्यूज। चीट फंड कंपनियों की अब खैर नहीं, कंट्रोल के लिए नीतीश सरकार ने लिया एक्शन। संसद न्यूज। दिग्विजय बोले, पोर्टल बंद होने से नहीं बिक पा रही मूंग, राज्यसभा में कहा, बुधनी में उपचुनाव है इसलिए 4 घंटे पोर्टल खोला गया, केंद्र हस्तक्षेप करे, मध्य प्रदेश में किसान परेशान, एमपी के पूर्व सीएम ही किसान मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के 757 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर और आईसीटी लैब की स्थापना की जाएगी। रूस और पश्चिमी देशों के बीच कैदियों की अदला बदली, अमेरिका, रूस और जर्मनी सहित 7 देशों के कुल 26 कैदी रिहा, तुर्की ने कराई डील। बिहार न्यूज। भोजपुर में 2 दिन में 126 गिरफ्तार, हत्या के प्रयास और शराब बेचने के मामले में गिरफ्तारी, वाहन मालिकों से 1.63 लाख का जुर्माना वसूला गया। राजस्थान ने केंद्र से टैक्स में 50% हिस्सेदारी मांगी, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बोले, कैश स्कीम से बड़ा राज्यों का घाटा। यूपी न्यूज। प्रयागराज। ट्रेनों को पलटाने की रील्स बनाने वाला यूट्यूबर छात्र अरेस्ट, रेलवे ट्रैक पर साइकिल, गैस सिलेंडर आदि रखकर बनाया वीडियो, खतरे में डाली लाखों की जान। यूपी न्यूज। अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस को क्लीन चिट, विधानसभा में पेश की गई जांच आयोग की रिपोर्ट, आयोग ने मीडिया की भूमिका पर उठाया है सवाल। राजस्थान न्यूज। प्रदेश में मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने किया हाईटेक लैब का उद्घाटन, IIM उदयपुर ने जयपुर में बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब बनाई, योजनाओं की गड़बड़ियों का भी पता लगाने में सक्षम है लैब। MP न्यूज। मुरैना। मदरसों में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू बच्चे, सरकारी पैसा हड़पने के लिए फर्जी नाम दर्ज किए, 100 बच्चों पर मिलते हैं 50,000 रुपए। यूपी न्यूज। भूत भगाने के नाम पर दुराचार, मथुरा में तांत्रिक ने दिल्ली की रहने वाली 2 बहनों से किया रेप, पुलिस ने तांत्रिक को भेजा जेल। बिहार न्यूज। पटना समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में डेंगू का प्रकोप, राज्य में डेंगू के 24 नए मरीज मिले, पटना में सबसे अधिक 9 हुए पीड़ित। हमास चीफ हानिये को बम धमाका कर मारा गया, 2 महीने पहले तेहरान के गेस्ट हाउस तक पहुंचाया बम, मौजूदगी पुख्ता होते ही डेटोनेट किया। तेहरान में हानिये की अंतिम यात्रा में खामेनाई बोले, इसराइल पर सीधा हमला करेंगे, अमेरिका ने मिडल ईस्ट में 12 युद्धपोत तैनात किए। राजस्थान न्यूज। ट्यूबवेल खोदने की रोक वाले बिल पर सरकार का यूटर्न, बीजेपी विधायकों ने ही सवाल उठाए, डोटासरा बोले, 100 जूते 100 प्याज साथ क्यों खाएं। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत खारिज, UPSC ने धोखाधड़ी जालसाजी की FIR दर्ज कराई थी, 1 दिन पहले IAS सिलेक्शन भी रद्द किया। बिहार न्यूज। गया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह, कहा, बिहार अब मार्केट हब नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल हब होगा, PM मोदी के काम को सराहा। IAS कोचिंग के सामने से कार निकालने वाले शख्स को जमानत, उस पर आरोप था कि उसकी SUV की स्पीड से प्रेशर बढ़ा, जिसके बाद गेट टूटा और फिर बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। ड्राइवर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी, कोर्ट ने कहा, इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी हैं, ये सब अफसरों की मिलीभगत से हुआ है। बिहार न्यूज। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मिले श्रवण कुमार, SC ST सर्वेक्षण को पूरा करने और मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग। यूपी न्यूज। वाराणसी। VDA ने 57 बेसमेंट अनाधिकृत मिलने पर थमाए नोटिस, दशाश्वमेध में सर्वाधिक 35 बेसमेंट में पार्किंग नहीं कारोबार, 27 बेसमेंट भवन 3 दिन में होंगे खाली। बिहार न्यूज। भागलपुर में दरोगा की पत्नी की दबंग गई, स्कूल वैन के सामने स्कूटी लगा गाड़ी रुकवाया, बच्चे को पीटा, वीडियो भी बनाया। यूपी न्यूज। सहारनपुर में अजगर ने डॉग को दबोचा,
खारा पावर हाउस में निकला था वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई है तो हमें जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लेने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।